हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखा था, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग बचपन से भाग देते आ रहे थे वही है। जैसे मान लो कि 16 में हमको 5 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, 3 15 और एक 1, अब ये नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 16 = क्या लिखेंगे, 5 × 3 + 1। जो हम लोग वही फार्मूला पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है तो एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो पता है कि जो शेषफल आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, या शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। यानी जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो भी एकदम क्लियर है कि जो शेषफल आएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे हमेशा कम होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि दो नंबर आपके अगर ए और बी हों आपके दो नंबर आपको दिए हो कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी दो नंबर आपको दिए हो और ए क्या है मान लेते हैं कि बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो बी से क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते करते यहां जाएंगे तो यहां कुछ शेषफल आएगा और यहां पे कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा। तो हम भागफल को क्या मान लेते हैं कि ये Q आया और शेषफल को क्या मान लेते हैं, R आया। तो भाज्य बराबर A बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और R हमेशा क्या होगा, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या कि R हमेशा B से छोटा होगा और क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यही हम लोगों का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। सीधा सीधा इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना हम लोगों को कि कोई भी जो दो पूर्णांक दिए हो आपको, धनात्मक पूर्णांक दिए हो तो आप a बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में हमेशा उसको लिख सकते हैं। और r की वैल्यू क्या है, b से हमेशा क्या होगा, कम होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे किसी नंबर से आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो जो शेषफल आएगा वो 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 आ रहा है तो एक बार और जाएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो इसी का यूज करके एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, कि मतलब जो धनात्मक विषम पूर्णांक आपके हैं, यानी जितने पूर्णांक में आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो सब क्या है, 4q+1 या 4q+3 के रूप के हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 4q+3 से है, यहां से हम लोग आइडिया निकालते हैं कि हम लोगों को क्या है, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो क्या है, 4 है। यानी बी जो नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो बी नंबर होता है हम लोगों का क्या है, 4 है। और ये 4q+1 किस नंबर की बात करी जा रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ए को मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक
विषम पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, वहां से फोर और ए के लिए, ए और फोर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब लगाएंगे तो ए को क्या करेंगे हम लोग, चार से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करते करेंगे तो करते करते यहाँ पे क्या आएगा, शेषफल आर आएगा, आर से डिनोट करते हैं यहाँ पे भागफल क्यू आ गया हम लोग मान लेते हैं। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इक्वल टू भाज बराबर भाजक, किससे भाग दे रहे हैं आप, चार से गुणे भागफल, भागफल को हम लोग क्या मान ले, क्यू प्लस आर, और आप चार से डिवाइड कर रहे हो तो आर के बारे में हम कह सकते हो कि हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा जीरो के बराबर और ये चार से छोटा होगा, और क्यू क्या है, ये पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक ही आएगा ना, बड़े नंबर को बड़ा पूर्णांक लेके आप छोटे पूर्णांक से डिवाइड करोगे तो जो भागफल आएगा वो पूर्णांक ही तो हमेशा होगा, और ये शेषफल हो गया यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। तो r greater than equal to 0 less than equal to 4 है, इसका मतलब क्या है कि r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 या 1 या 2 या 3, 4 नहीं हो सकती। तो r जो रिमाइंडर है, चूंकि 4 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या जितनी है ब्रह्मांड में, जितनी चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जैसी भी हो, आप जब चार से डिवाइड करोगे तो करते 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 जब आप खत्म होगे तो जो वहां पर रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो या तो तीन आएगा या दो आएगा या एक आएगा, या पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे शेषफल जीरो है। तो यानी ए हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा, ये या तो फोर क्यू प्लस जीरो हो जाएगा, या ए क्या होगा, फोर क्यू प्लस वन हो जाएगा, या ए क्या होगा, फोर क्यू प्लस टू हो जाएगा, या ए क्या हो जाएगा, फोर क्यू प्लस थ्री, क्योंकि आर की यही चार वैल्यू हो सकती है, तो चारों वैल्यू रख रखते हैं हम लोग, ये देखें या तो ये फोर क्यू प्लस जीरो टाइप का होगा, या ए फोर क्यू प्लस वन टाइप का होगा, ये फोर क्यू प्लस टू टाइप का, या फोर क्यू प्लस थ्री टाइप का होगा। तो हम लोगों को ये कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक ए जब फोर क्यू टाइप का होगा, ए जब फोर इंटू क्यू टाइप का होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये सम है, सम पूर्णांक होगा, ये सम पूर्णांक। सम का मतलब क्या होता है, दो से डिवाइड, तो फोर का अगर मल्टीपल कोई है, फोर इंटू कोई संख्या लिखी है, तो आप दो से तो एकदम डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, सम पूर्णांक है। और फोर क्यू प्लस वन क्या है, विषम है, फोर क्यू प्लस टू, और ये फोर क्यू प्लस टू क्या है, ये भी दो से डिवाइड है, दो से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें दो से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रखो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सम पूर्णांक हो गया, ये भी सम पूर्णांक है। यानी अगर हमको विषम पूर्णांक की बात करनी है तो या तो वो फोर क्यू प्लस वन होगा या फोर का फोर क्यू प्लस थ्री होगा। यानी आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जो डिवाइड करेंगे चार से, तो यही चार कंडीशन बनती है कि या फोर क्यू प्लस जीरो टाइप का, या फोर क्यू प्लस वन, फोर क्यू प्लस टू, फोर क्यू प्लस थ्री, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो फोर क्यू क्या है, इसको दो से डिवाइड करोगे तो ये नंबर हमेशा दो से कट जाएगा, ये भी दो से डिवाइड हो रहा है तो ये सम हो जाएगा। सम का मतलब क्या होता है, जो दो से डिवाइड हो। तो यानी अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करी जाए, धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री के रूप का होगा।
तो हम लोग एक बार और सुन लेते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का क्या है जो बचपन से हम लोग भाग देते आ रहे हैं। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल के बारे में भी हम लोगों को पता है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे कम ही आएगा शेषफल। अगर 6 से डिवाइड करें तो शेषफल 5 आ सकता है, 4, 3, 2, 1, या शेषफल 0 आएगा जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही मतलब कि कोई भी आपके दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों, कोई भी ए और बी, तो हमेशा क्या कर सकते हैं आप, बड़े वाले को छोटे वाले से जो डिवाइड करेंगे तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, तो यहां से किस चीज से डिवाइड करना है ये हमको यहां से मिला। ये यहां से गेस करते हैं कि हमको बी के प्लेस पे क्या लेना है, और किसके बारे में बात करी जा रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वो आपका ए हो जाएगा। तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए और 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लगाएंगे। तो ए बड़ा है तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते करते जाएंगे तो यहाँ शेषफल आर हो गया और यहाँ पे भागफल क्यू आ गया। तो ए बराबर 4 × q+r के रूप में हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। और r की वैल्यू क्या होगी, आप ए को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, यही पॉसिबिलिटी है। यानी ए हमेशा क्या होगा, या 4q+0 होगा, या 4q+1 होगा, या 4q+2 होगा, या 4q+3 होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो ये 4q और 4q+2 है ये जो सम पूर्णांक हो गया, यानी जो विषम पूर्णांक होंगे वो 4q+1 या 4q+3 के रूप के ही होंगे। क्योंकि 4q+1 का मतलब क्या है कि ये सम संख्या में एक जोड़ोगे तो विषम। ये 4q+3 का मतलब क्या है कि ये सम संख्या है, सम संख्या में 3 जोड़ोगे तो ये विषम। तो यानी धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 4q+1 या 4q+3 के टाइप का ही हो सकता है। ये हमारा जो पहले चैप्टर का ये पहला जो है एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में वो है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्न का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। इससे पहला दिया है 135225, 135225। तो HCF निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, आपका जो दो नंबर दिए रहते हैं उनका एचसीएफ निकालना है। तो दोनों पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करते हैं तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते हैं। अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, पहले ही स्टेप में शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक है आपका वही एचसीएफ हो जाता है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में फिर पहले स्टेप का जो भाजक और शेषफल था उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो मैं करता हूं, देखिए
क्या कहेंगे, 1, 3, 5 और 2, 2, 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो कैसे लगाते हैं आप, बड़े वाले नंबर को क्या करेंगे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 2, 2, 5 को क्या करेंगे 1, 3, 5 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा ना 1, 3, 5 घटाएंगे तो 0 हो गया, ये 9, यानी ये क्या आ गया, ये शेषफल आ गया, ये क्या आ गया भागफल, और ये क्या है भाजक। तो हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 2, 5 को क्या लिखेंगे, 2, 2, 5 इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 1, 3, 5 भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 90। अब शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, जो शेषफल है हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर जो है आपका 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे भाजक और रिमाइंडर के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 1, 3, 5 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो 1, 3, 5 और 90 पे जब लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, 1, 3, 5 को 90 से डिवाइड करेंगे, ये एक बार 90 और ये 45, तो यानी 1, 3, 5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 135 बराबर भाज बराबर भाजक, भाजक आपका क्या है 90, भाग का कितना है 1 और शेषफल क्या है 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर जो भाजक और शेषफल है इस पर फिर लगाएंगे 90 और 45 के लिए, 90 और 45 के लिए, तो 90 और 45 पे लगाने के लिए क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 दो बार जाएगा ये 90, तो 90 को हम लोग क्या लिखते हैं 90 बराबर भाज बराबर भाजक 45 गुणे भागफल और प्लस शेषफल क्या आएगा 0। तो अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, हम लोग करते करते कहां तक चले गए, जहां पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे शेषफल आपका आ गया 0। तो जहां पे शेषफल 0 आया है उस स्थिति में जो भाजक है, यही तो भाजक है, भाज बराबर भाजक, यही इसी से तो आप भाग दे रहे हो, वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है, तो HCF क्या हो जाएगा उनका 45। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको दिया रहेगा कि उसी का यूज करके ही HCF निकालना है, तो जिन दो नंबर को आपको दिया रहेगा क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो भाजक हो जाता है वही आपका HCF, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आया तो भाजक और शेषफल पर फिर लगाते हैं, यानी यहाँ पे 225 को हमने लिखा 135 गुणे 1 प्लस 90 और यहाँ पे 135 और 90 के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, तो 135 और 90 के लिए लगाने के लिए 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, फिर 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, फिर यहाँ पे 90 और 45 के लिए लगाएंगे, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, जहां पे शेषफल 0 आ गया वहां वाला भाजक ही क्या हो जाता है आपका HCF हो जाता है, तो यही स्टेप्स आपके आपको करने रहेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, 196 और 38220 196 और
3820, 3820। यही काम करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यूज करके क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 196 और 38220 पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी 196 और 3820। इसमें मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पे। तो क्या करोगे, बड़े नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 38220 को आप डिवाइड करोगे 196 से। ये दो बार जाएगा तो ये 382 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक बार ही जाएगा 1 9 6 6 17 8 2 0, फिर एक बार जाएगा 196 जीरो जीरो नाइन, फिर इसको 200 नियर अबाउट आप मान ले तो ये चार बार जाएगा, 200 चौका 800, ये एक एक ही है, तो 4 6 24 4 और 2 36 38 3 7 8 4 6 1 1 116। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 38220 को कैसे लिखेंगे, भाज बराबर, भाजक क्या है 196 गुणे भागफल, भागफल क्या है 114 प्लस शेषफल आया 116। अब क्या करेंगे आप, 196 और 116 पर लगाएंगे, तो 196 को 116 से डिवाइड करते हैं, 196 को 116 से डिवाइड करते हैं 80, तो 196 बराबर क्या हो गया, 196 116 गुणे 1 प्लस 80, फिर शेषफल जीरो नहीं आया, फिर 116 और 80 के लिए लगाएंगे, 116 और 80 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो क्या करेंगे, 116 को डिवाइड करेंगे 80 से, तो एक बार जाएगा ये 36 हो गया शेष, तो 116 बराबर 80 गुणे 1 प्लस 36, फिर क्या करेंगे, 80 और 36 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, 80 और 36 के लिए, फिर 80 को डिवाइड करेंगे आप 36 से, दो बार जाएगा 72 और ये 8, तो 80 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 8। अब क्या करेंगे, 8 और 36 पर लगाएंगे, 8 और 36 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो 36 बराबर क्या लिखेंगे, 8 गुणे 4 34 और 4 36। अब क्या करेंगे, फिर 8 और 4 पर लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन, इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया, फिर शेषफल जीरो नहीं आया तो भाजक और शेषफल इस पे लगाया, फिर शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर भाजक और शेषफल पे लगाया, फिर शेषफल जीरो नहीं आया तो भाजक और शेषफल पे लगाया, फिर भाजक और शेषफल पे लगाया, फिर भाजक और शेषफल पे भी लगाना है, तो 8 और 4 से जब लगाएंगे अगले स्टेप में 8 और 4, तो 8 बराबर क्या लिखेंगे, 4 × 2 + 0, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो इस स्टेप में जो भाजक है यानी ये, यानी 4 ही क्या हो जाएगा आपका, HCF, HCF बराबर क्या हो जाएगा 4। तो आपको स्टेप्स यही करने हैं, बस इसमें कुछ करना नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आपको जो HCF निकालना है, पहले दोनों नंबर्स पे आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करेंगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में अगर ये जीरो नहीं आया शेषफल तो भाजक और शेषफल पे फिर वही काम करेंगे, फिर जीरो नहीं आया फिर भाजक और शेषफल पे फिर वही काम तब तक रिपीट करते चले जाएंगे जब तक हमारा शेषफल जीरो ना आ जाए, और शेषफल जीरो आ जाने वाले स्टेप में हमारा जो भाजक होगा ये और यहां से भी देख सकते हैं उसके ऊपर से, यही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो हम लोगों ने इतना देखा, आज इतना ही देखते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।